पता नहीं अभी तो इस साल तो नहीं जा रहा हूँ, बट होपफुली यार अभी ऑफ कोर्स उनका फैन बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो विनर बनना ही था, तो और मैं क्या कह सकता हूँ। उसका बर्थडे 12th को था, उस दिन भी मैंने विश कर दिया था कॉल करके। आज यहाँ पे सब लोग मिलने वाले हैं तो यहाँ पे पहुँचे और बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत सारा फन करेंगे। और क्योंकि पलक तो हमारी वैसे भी पार्टी एनिमल है तो वो जहाँ होती है तो मचाती है और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो मचाते हैं। मैंने सिर्फ क्लिप्स देखी हैं, ऑफकोर्स पलक के काफ़ी देखे हैं। उसने जितना भी खेला बहुत डिग्निटी के साथ खेला। मेरे जितने फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा है शो को, उन्होंने हर एक ने यही कहा है कि बहुत अच्छे से उसने जितने टाइम वो थी अच्छे से प्ले किया है, कुछ ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स नहीं की। बट बहुत सारा मसाला चाहिए होता है वहाँ पे, तो कई बार वो करना भी ज़रूरी हो जाता है। यार अभी ऑफकोर्स उनका फैन बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो विनर बनना ही था, तो और मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। आप कब बिग बॉस में जाएंगे, हम आपको कब देखने वाले हैं बिग बॉस में? पता नहीं अभी तो इस साल तो नहीं जा रहा हूँ, बट होपफुली नॉट होपफुली मे बी 2-3 साल बाद। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? यहाँ पे मैं फैंस के लिए, मुझे आप जैसे प्यार देते हैं वैसे आज पलक का बर्थडे है, उसे बहुत सारी विशेस दे और बहुत सारा प्यार। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।